बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के नेता, ये बड़ा आरोप लगाते नजर आए मुख्यमंत्री। पाकिस्तान बनवाना चाहता है कांग्रेस की सरकार, ये भी उन्होंने कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सच्चाई जनता अब जान चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम बातें कही हैं। स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया, राजनाथ और नितिन गडकरी जल्द आएंगे हरियाणा चुनाव प्रचार करने के लिए। आपको बता दें कि हरियाणा में अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में आ चुका है। ऐसे में केंद्रीय स्तर के नेताओं का भी लगातार प्रदेश में आगमन जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बाद एक बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में राजनाथ और नितिन गडकरी भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज घमंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, उनके पास जनविश्वास नहीं है, और जब जनविश्वास नहीं है तो वो लोग झूठ का सहारा लेकर के देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। कभी वो गारंटियां देते हैं, कभी वो झूठे वायदे करते हैं, और कभी इस प्रकार की उनकी जो कन्विंसिंग है, वो यासीन मलिक जैसा खूंखार आतंकवादी जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया, जो अलगाववाद की नीति को अपनाता है, ऐसा व्यक्ति उनकी कन्विंसिंग पोस्टर लगाता है कि कांग्रेस को जिताने का काम करें, और कभी पाकिस्तान के नेता वकालत करते हैं कि कांग्रेस को यहां से जितवाने का काम करें। भाइयों, देश ये किस दिशा के अंदर कांग्रेस पार्टी ले जाना चाह रही है, ये पूरा का पूरा देश देख भी रहा है, समझ भी रहा है। आज पूरे देश ने निर्णय किया है कि ये भारत अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के बड़े नेता आने वाले हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं, पीछे आए भी थे, और आदरणीय नितिन गडकरी जी आएंगे, तमाम केंद्रीय लीडरशिप यहाँ पर।